अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अरवी गोश्त की कढ़ी। तो इसके लिए हम पहले अरवी काट के धो के पानी डाल के रख लेंगे। चावल ले लेंगे हम धो के, 10 मिनट के लिए भिगने रख देंगे। इमली ले लेंगे, इमली को भिगने रख देंगे। 5 टमाटे है, ये 5 टमाटे काट के ले ली मैं। गोश्त 400 ग्राम धो के रख ली मैं। 2 छोटे साइज़ के प्याज कटी हुई है ये। अब सबसे पहले चावल को पीस लेंगे हम। चावल को पीस ली मैं। कुकर में प्याज डाल देंगे हम। गोश्त ऐड कर देंगे। हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। आधा स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। नमक डाल देंगे, नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 2 स्पून। कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अच्छा मिला लेंगे हम अब सब चीज़ों को। अच्छा मिलाने के बाद में 5 मिनट तक अच्छा भूनेंगे हम। अब इसमें टमाटर डाल देंगे, कोथमीर डाल देंगे काट के, मिला लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। 1 ग्लास पानी ऐड करी मैं। पानी डालने के बाद अच्छा मिक्स कर देंगे इसको। कुकर का ढक्कन लगा के गोश्त गलने तक पका लेंगे हम। चेक कर लेंगे। टमाटर और प्याज को भून लेंगे। अब हम इसमें अरवी ऐड कर देंगे। मिला देंगे अरवी ऐड करने के बाद में। अब इसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे हम। अच्छा मिक्स करके कुकर का ढक्कन लगा के अरवी गलने तक पका लेंगे। चेक कर लेंगे। टमाटर और प्याज भी गल गए इसमें के, भुने गए।
और अरवी भी गल गई, चेक कर लेंगे अरवी को। ये देखिए गल गई अरवी भी। अब हम इसमें इमली का खट्टा ऐड कर देंगे। इमली आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। पानी ऐड कर देंगे। पानी डालने के बाद अच्छा मिक्स करके करी लीव्स डाल देंगे इसमें, हम करी पत्ता डाल देंगे। अच्छा खौलने तक पका लेंगे इसको ढक्कन ढाप के। अच्छा खौल रहा है, इसमें हम 5 से 6 हरी मिर्ची की चीर के डाल देंगे काट के। अब जो चावल पीस के रखे थे हम वो ऐड करेंगे मिक्स करते हुए, हिलाते हुए मिक्स करेंगे हम। कढ़ी में कितना गाढ़ापन होना आप अपने हिसाब से लीजिए, बहुत ज़्यादा थिक भी कर दिए तो ठंडी होने के बाद और थिक हो जाती। अब हम इसमें 1 स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 स्पून जीरा पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। मिक्स करते हुए ऐड करेंगे ना तो लम्स बन जाते। कोथमीर ऐड कर देंगे। कोथमीर ऐड करने के बाद में ढक्कन थोड़ा ढाप कर तेल आने तक पका लेंगे मीडियम हीट पे। पूरा कवर नहीं करना नहीं तो उबल के गिर जाती कढ़ी। ये देखिए तेल पूरा ऊपर आ गया, थिकनेस भी बराबर हो गई कढ़ी की, परफेक्ट है ये। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये थी आज की रेसिपी, अरवी और गोश्त की कढ़ी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।